हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जायका में। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला और डिप। इसके लिए एक कटोरी मूंग की दाल को लेकर के इसको धो लेंगे। धो करके इसको किसी कपड़े पर फैला कर इस तरह से ऊपर से एक दूसरा कपड़ा रखकर इसका पानी सोख लेंगे। इस तरह से बना हुआ चीला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और खा के देखिएगा। ये बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ दाल और पनीर का यूज़ किया है। अब इस दाल को थोड़ा इस तरह से फैला करके 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए डिप बना लेंगे। इसके लिए एक कटोरी दही लेंगे, 1 चम्मच ऑर्गेनो, स्वाद के अनुसार नमक, 2 हरी मिर्ची और 2 चम्मच मेयोनीज ले लेंगे। इन सबको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इस डिप को आप किसी भी स्नैक के साथ बनाकर खा सकते हैं। ये डिप बहुत टेस्टी होता है। वैसे मैं इसको चीले के साथ बनाती हूँ, इससे थोड़ी सी पतली दही का यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको गाढ़ी दही का यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा बनता है। आप इस डिप को भी ज़रूर बना के देखिएगा। इसको हमने चला लिया, अब देखिए ये डिप बनकर तैयार हो गया है। ऐसे पतला बनाया मैंने। आप थोड़ा सा गाढ़ी दही यूज़ करके गाढ़ा ही बना सकते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये 10 मिनट हो गए हैं। अब इस दाल को एक कढ़ाई में डाल करके स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर ही करेंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा बदल जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये मूंग दाल की चीले का प्री मिक्स भी है। इसको हम बना करके एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत होने पर इसको घोल करके बना सकते हैं। अब इसको ठंडा करके एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ गई है। अब इसको पानी डाल करके इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालते हैं। इसको 10 मिनट हम रख देते हैं तो ये थोड़ा सा पानी सोख भी लेता है। जब ये बनाएंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें नमक डाल करके मिक्स कर करके और एक पैन को गर्म करने के लिए रखेंगे। और जब पैन गर्म हो जाए तो इसको इस तरह से ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड करके इस बैटर को इस तरह से पूरे पैन में फैला देंगे। स्लो फ्लेम पर ही करेंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम जो है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब ये एक तरफ से स्लो फ्लेम पे सिक जाएगा अच्छे से। सिक जाने के बाद इसका साइड पलट देंगे। अब दूसरी तरफ से स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके चारों तरफ डाल देंगे। अब ये दूसरी साइड से भी सेक गया है और इसका साइड पलट देंगे। ऊपर से छोटे कटे हुए टमाटर इस तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आप कुछ डालना चाहते हैं, पर ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर से हम पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि दाल को सिर्फ धोना है और भिगोना नहीं है। इस तरह से एक कटोरी की मेज़र लेने से इसमें से 5 से 6 चीले बनकर तैयार हो जाते हैं। इस प्री मिक्स को आप बना के भी रख सकते हैं और हल्का सा इसमें नमक ऊपर से छिड़क देंगे इस तरह से,
और धनिए की पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे। अब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, इसको एक प्लेट में अब हम उतार लेंगे। देखिए अब ये बनके पूरी तरह से तैयार है, आप भी इसको बनाइए और डिप के साथ सर्व करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।